ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਅਮਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਅਮਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤੋ ਕੌਣ ਥਾ, ਕਿਸ ਕਾ ਮਰਡਰ ਹੁਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾ ਹੁਆ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਆ ਸਰ? ਇਹ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਸੇ। ਕੌਨ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ? ਵੋ सिब्बू मेटल। क्या फिर क्या बात है? वो जी फिर ये आप काम कर रहे होंगे जी, जो कट्टा होगा वो चकना होगा ना इन दोनों ने, तो वो कह रहा मैं नहीं चकता, दो कह रहा मैं नहीं चकता। चकना तो वैसे उससे था, राजीव का था ना, वो मेरे भाई का काम नहीं था, तो वो चक नहीं रहा था, उतने में वो माँ बहनी गाले देने लग गया, इसने भी दी, फिर उसी बात पर आता पाई होगी दोनों की। बस फिर उस कहते पहले इसने स्टार्टिंग करी, उसने ही मारे, इसने चक्कू काट के मार दिया जी उसके। किसने मारा है चक्कू? राजीव ने जी। तो अब फैक्ट्री में कैसे सूचना मिली आपके भाई का मर्डर हुआ? वहाँ पे एक और काम करता ना साथ वाला, उसने बताया जी आके। किस समय की घटना थी? हॉस्पिटल लेके गए थे और कितना टाइम लगा? उसको जी पता नहीं जी कितना टाइम लगा, वैसे हॉस्पिटल वालों ने इलाज ही नहीं करा जी उसका। कितना टाइम आप भटकते रहे आप हॉस्पिटल में? एक घंटे से ऊपर हो गया जी वहाँ पे जी, वहाँ तो इलाज ही नहीं कर रहे थे कोई, वहाँ खाली छोड़ रखा पेशेंट्स ना, उसे देख रहे कि क्या उसकी दवाई लेनी उस ना कुछ। और कर दिया जी, अब जब उसका इलाज नहीं होगा तो यहाँ पे खोल ले किस लिए आया ये? कहाँ मारा था चाकू, कुछ पता लगा? इसके यहाँ मारा था जी नीचे पेट पे मारा था, यहाँ यहाँ पे साइड में जी। जब आप हॉस्पिटल में लेके गए तो जिंदा था वो? जिंदा था जी, वो तो बात कर रहा था जी, वो तो बच जाता आराम से जी, इलाज ही नहीं करा उसका, इन्होंने यहाँ पे लेकर इन्होंने जवाब दे दिया, साथ ही इन्होंने भी कोशिश नहीं की। ऐसा सर, आज सरकारी अस्पताल जगाधरी से मेल के द्वारा रुका प्राप्त हुआ कि मजरूब अमन कुमार पुत्र रिंकू बाउमर 16 साल जो सेक्टर 18 हुड्डा जगाधरी हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण दाखिल हस्पताल है। कार्रवाई के लिए फिर मौके पर मन एसएमएस साथी मुलाजमान के मौके पर वहां से सरकारी अस्पताल जगाधरी पहुँचा हूँ, जहाँ पर मजरूब का डॉक्टरी रुका हासिल करके वह MLR हासिल करके बयान लेने के लिए डॉक्टर साहब को एक दरख्वास्त पेश की, जो डॉक्टर साहब ने मजरूब को लामा तहर किया, जो फिर समय के पश्चात गाबा अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि मजरूब अमन जो है मतलब कि मृत हालत में गाबा अस्पताल पहुंचा है। जिस सूचना पर मन ऐसे मैं साथी मुलाजमान के गाबा अस्पताल पहुंचा हूं, जहां पर मजरूब का पिता रिंकू सन ऑफ सभाजीत हाजिर मिला, जिसने अपना बयान अंकित कराया और जिसने राजीव सन ऑफ वकील साहनी यूपी का रहने वाला है उस पर आरोप लगाया भी, उसने मेरे लड़के कोई नकली चीज से चोट मारकर हत्या की है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ सर, उसके बयान दर्ज कर लिए और मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर थाने भेज दी है और मौके पर तफ्तीश जारी है। सर, ये घटना हुई कहाँ पे है? ये सर एक ये सिब्बू मेटल फैक्ट्री है नाका रक्सी विहार के पास जगाधरी रोड अम्बाला, वहाँ पर ये घटना हुई है। तो उम्र कितनी सर अभी तक की? 16 साल है सर उसकी उम्र। आरोपी के बारे में कुछ पता लग पाया अभी तक? हाँ सर, अब गिरफ्तारी मतलब के जल्दी करेंगे, आरोपी को शीघ्र तलाश करके सर।